ब्रोकली ग्रीन पीस कलर कैप्सिकम तीन मशरूम कैरेट अमेरिकन कॉर्न फाइन मिन्स्ड गार्लिक फाइन चॉप्ड ओनियंस एंड मो पाखे किसी चीज अच्छे मोजरेला चीज व्हाइट सॉस मो पाखे अच्छे मिल्क आउ बटर आउ मैदा। सर्वप्रथम आम सॉस बनवा फायर को सब मन रखिए स्लो मीडियम फ्लेम रखिए बिकज सॉस बनला बेले बहुत स्मूथली बनवा पड़े ओवर हीट हेले कलर टा डिस्कलर होबार भी चांसेस थाए। बर्तमान मो पैन हीट होती एड कर अमूल फ्रेश बटर बटर को सब मन रखु फ्लेम टा को कंट्रोल करेंगे बिकज बटर बहुत जल्दी कला हो जाए। बटर मोर बर्तमान मेल्ट देन आप मैदा ये ऐड करेंगे मैदा सब मन रखिए व्हाइट सॉस बनला बेले ये करेंगे जितकी परिमाण बटर देतीक ही परिमाण मैदा यूज करेंगे मुझे 50 ग्राम रे बटर दे तेणु 50 ग्राम मैदा ही ये नौ अंपटे मुझे क्षीरटा भी गरम बसई क्षीरटा भी स्लो आंच में मोर फुटिकी अलरेडी रेडी होगी अच्छी देखते कैसे बढ़िया कलर आस बटर आ मैदार कम्बेसन देन मुझे मिल्क आड कर मिल्क सब मन रखु आम ग्राजुआली ग्राजुआली दबा एट ए टाइम दबानी ना लम्स होंडा बिंडा रही बहुत ही इजी प्रोसेस जितेबाला लम्स आप देखिए जो बिंडा टिके टिके मेल्ट आरंभ होगा पुणी आपंकर बड़का क्षीर को ऐड करेंगे फाइनाली आमर मिल्क सब यूज होगा मुझे 50 ग्राम बटर में 50 ग्राम मैदा नहीं थी एंड मत मिल्क लगे 350 ग्राम एम एल रनि 50 एम एल रुझे मिल्क आड करी आप चाहिए क्वांटिटी बनई पारे प्रिपेरेसन डिपेंड करते अनुपात आपरी कर देखो बर्तमान आम ससटा एकदम बढ़िया भाव रेडी एंड या भितर किसी लंगस ही ना देखो सस्र कनसीस्टेन्सी एमती नहीं रखा पड़ो जमी ड्रपिंग होतमान मो ससटा एकदम बढ़िया भाव रेडी आपको बर्तमान साइड करदे बर्तमान आम नहीं भेजिटेबल ग्रिल करवा बटर सब फायर टाइम रिड्यूस करेंगे बिकज बटर कला हो चांसेस थाए आप चाहिए भी ऑलिव ऑयल यूज करेंगे मुझे बटर आ कि ऑलिव ऑयल यूज करूँ एम यूज कली फाइन चॉप गार्लिक गार्लिक मुझे 2 टीस्पून बर्तमान मो गार्लिक टिके कलर चेंज हो गोल्डन कलर अच्छे से आम एड कर वेजिटेबल्स टिके आम ये स्लो फ्लेम रखा बिकज सब वेजिटेबल को आमको धीरे धीरे ग्रेजुअली सते करिवार अछि क्यारेट पर मुझे एथिरे ब्रोकली फ्रेश ब्रोकली देन ग्रीन पीस देन मुझे आड कली मशरूम मुझे आरंभ कही कि मुझे टीन मशरूम नहीं चाहिए फ्रेश भी यूज करें देन एथरे ऐड करिबा टिके सॉल्ट मैक्सिमम 2 रु 3 मिनट समय लगे आपको सतैवा बिकज एथरे किसी एमती हार्ड वेजिटेबल ना कि जोटा कि टाइम टेकिंग लगे देखो तो मोर बर्तमान सब वेजिटेबल सते हो गला देन एथरे मु फाइनल ऐड करी कैप्सिकम्स जोटा कि 3 प्रकार अच्छी रेड येलो एंड ग्रीन देन फाइनाली मुझे यूज कली किसी अमेरिकन कॉर्न स्पेशली ये आइटम टा आपनो किसी राइस सांगे भी नहीं पारे जमीक फ्राइड राइस है कि किसी मैक्सिकन हॉर्न राइस है कंपनी साइड को नहीं पारे आप मेन कोर्स ही ने आप चाहिए पराठा भी किसी नॉर्मल रोटी सांगे नहीं पारे
देन आमर वेजिटेबल बहुत बढ़िया भाव में कुक हो गला पूर्व प्रस्तुत होता सस् बर्तमान आम एड करवा जोटा कि मुझे कही व्हाइट सस् मुझे एड कर फायर को बर्तमान एकदम स्लो आम करद देन एथिरे मु किछि ऐड करली चीज जोटा कि मुझे बर्तमान आगुरी देखेली आपको चीज रो बढ़िया फ्लेवर आसे टेस्ट को भी एनहांस कराए चीज पर मुझे नहीं क्रॉस ब्लैक पेपर आप समस्त जानते हैं देहपाई बहुत ही बेनिफिट आर गोटे बढ़िया आराम भी आसे देन मुझे ऐड कली किसी सल्ट मन रख सब सल्टर परिमाण टी कमी दबा बिकज आम चीज यूज करे चीज भी टी लुणिया थाए तेणु आम सल्टर परिमाण सब देखिकी दबा हल्का चीनी अमूल फ्रेश क्रीम सबुटा बढ़िया मिसाई दबा हल्का पा मुझे यूज कली आप चाहिए भी एथे क्षीर यूज करें कि बर्तमान हल्का पा नहीं मन रखिए क्षीर कि पा दे तार परिमाण सब देखिकी दौथे आप क्वांटिटी अलमोस्ट मतलब लगुच मोर फ्लोरेंटिन रेडी हो गला फाइनाली आम उपर कि दबा अमूल फ्रेश क्रीम देखो बहुत ही कम समय भितर आम बढ़िया आइटमटा रेडी गला बर्तमान आर फाइनाल स्टेज चलो जाकु प्लेटिंग करवा आ देखा आर टेस्ट केमी बर्तमान आम फाइनाल आम बर्तमान प्लेटिंग करुचे उपर गार्निशिंग आम यूज करे कि ब्लाक अलिव जोटा कि व्हाइट सांगे ब्लाक कम्बिनेसन आप जानते हैं बहुत बढ़िया लगे उपर मुझे आड कली अमूल चीज एंड फाइनाल कि अमूल फ्रेश क्रीम देखु बहुत ही कम टाइम भितर आम डिश्टा रेडी बहुत ही सुंदर देखा जाऊँगी आई होप आप समस्ते घरे ट्राए करेंगे बहुत ही इजी प्रोसेस।